वीडियो में मैं आप लोगों को किसी भी फोन में डिजिटल माइक लगाने का एक नया ट्रिक दिखाऊंगा। जैसे कंपनी की तरफ से माइक लगा हुआ मिलते हैं, वैसे ही आप लोग माइक लगा पाएंगे और इसके लिए आपको कोई जम्पर वगैरह का भी जरूरत नहीं होगी। दोस्तों ये ट्रिक 100% वर्किंग है। इस ट्रिक को आप सभी कंपनी की फोनों में यूज कर सकते हो जिसके अंदर डिजिटल माइक है, और इस ट्रिक को मैं बहुत दिन से यूज करके आ रहा हूँ। तो चले दोस्तों पहले फोन को क्विकली ओपन कर लेते हैं। अभी हम ओल्ड डिजिटल माइक को यहाँ से रिमूव करेंगे, और इसको रिमूव करने के पहले इस एरिया के आसपास अगर कोई प्लास्टिक या भी कोई भी कंपोनेंट है उसको हम की सिल्वर टैप की मदद से कवर अप करेंगे, और उसके बाद खराब माइक को रिमूव करेंगे। खराब माइक को हम यहाँ से रिमूव कर दिया है, और अभी हम जहाँ पे माइक था उस एरिया को अच्छे से डिसोल्डर ऑयल की मदद से क्लीन कर लेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट लगा देंगे। माइक की सभी पॉइंट डिसोल्ड हो चुका है, और अभी हम इस जगह को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। देखिए जहाँ पे माइक था उसकी सभी पॉइंट को आपको इस तरह अच्छे से क्लीन कर लेना है। दोस्तों प्लीज़ यहाँ से वीडियो को कंप्लीट देखिए, नहीं तो आप लोग इस ट्रिक को समझ भी नहीं पाएंगे और आप माइक को भी ख़राब करेंगे। तो अभी हम एक नया माइक लेंगे और माइक की जो पॉइंट्स है उसको रिवॉल्व करेंगे। तो माइक की पॉइंट को किस तरह रिवॉल्व करना है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ से एक नया माइक ले लिया, और अभी हम इसकी जो पॉइंट्स है देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये जो तीन पॉइंट है इसको हम रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको किस तरह रिवॉल्व करना है ताकि माइक ख़राब ना हो वो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसको हम रिवॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको लगाएंगे। दोस्तों इस तरह माइक को रिवॉल्व करने के टाइम जितना हो सके लो टेम्परेचर PPD या सोल्डर यूज़ करें। मैं इस तरह डिजिटल माइक को रिवॉल्व करने के टाइम ज़्यादातर 138°C टेम्परेचर की PPD यूज़ करता हूँ। तो मैं इसको रिवॉल्व करने के लिए इस मैकेनिक का 138°C PPD को यूज़ करूँगा। और इस माइक को किस तरह सेफ तरीके से आप रिवॉल्व कर पाएंगे वो मैं आप लोग अभी यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए यह हमारा माइक है और इसमें हम अभी PPD अप्लाई करेंगे। तो ज़रूरत के हिसाब से हम यहाँ पे PPD अप्लाई करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा PPD लगा देता हूँ जितना मुझे ज़रूरत है। इस तरह आपको ज़रूरत के हिसाब से PPD अप्लाई करना है। और अभी मैं पॉइंट्स को रिवॉल्व करने के लिए 12 वाट की माइक्रो सोल्डरिंग आयरन यूज़ करूँगा। तो ये 12 वाट की माइक्रो सोल्डरिंग आयरन है। इस तरह आपको माइक की सभी पॉइंट को रिवॉल्व कर लेना है। दोस्तों माइक को रिवॉल्व करने के टाइम आप फ्लक्स पेस्ट यूज़ ना करें, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे माइक की सभी पॉइंट रिवॉल्व हो चुका है, और अभी हम माइक को बोट में लगा देंगे। तो इसको किस तरह आपको लगाना है ताकि हमारा माइक ख़राब ना हो इसका मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक दिखाता हूँ। दोस्तों माइक को लगाने का जो मैं आप लोग यहाँ पे ट्रिक दिखाऊंगा ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आपको अगर ये ट्रिक अच्छा लगे और आपका काम 100% सक्सेस होता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी कर दीजिएगा। और आपने अगर हमारी SSFix नया YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं उसमें भी इसी तरह वीडियो अपलोड करता हूं, और उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो माइक को लगाने के लिए माइक जहां पे माइक था उस जगह में आपको माइक को सही पोजिशन में बिठा लेना है, ठीक है।
माइक को मैं यहाँ पे सही पोजिशन में बिठा लिया। और अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ की ज़रूरत होगी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इस तरह आपको एक कीपैड बटन लेना है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ इसको आपको किस तरह लेना है और आपको इसको किस तरह यूज़ करना है, वो मैं आपको सभी दिखाता हूँ। तो इस यहाँ से आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, नहीं तो आपका जो माइक है वो डैमेज हो जाएगा। इस तरह आपको ट्वीजर से इसको पकड़ना है और इस तरह आपको माइक के ऊपर रखना है। माइक में आपको टच नहीं करना है, ठीक है, माइक की जस्ट आपको थोड़ा सा ऊपर रखना है और आपको हॉट एयर गन को चलाना है इसके ऊपर, ठीक है, ताकि टेम्परेचर और एयर माइक की सीधे ऊपर ना लगे। और यहाँ पे आप टेम्परेचर को 260 की आसपास रख सकते हो और एयर को 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 264 टेम्परेचर रखा है और यार को 3 पे, और ये 5 से 10 सेकंड के अंदर आराम से बैठ जाएगा, ठीक है। तो माइक हमारे यहाँ पे बैठ चुका है और अभी हम इसको चेक करेंगे। दोस्तों तो माइक को चेक करने तक वीडियो में बने रहिए, देखते हैं माइक की साउंड क्वालिटी। तो माइक को चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक साउंड रिकॉर्ड करके देखते हैं। हेलो हेलो, माइक टेस्ट माइक टेस्ट, हेलो माइक टेस्ट माइक टेस्ट। हेलो हेलो, माइक टेस्ट माइक टेस्ट, हेलो माइक टेस्ट माइक टेस्ट। देखिए दोस्तों, हमारा माइक यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है और बिल्कुल ये क्लियर आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग किसी भी फोन की डिजिटल माइक को बड़ी आसानी से लगा सकते हो, बिल्कुल कंपनी जैसा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।